वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यहाँ कुछ ऐसे चमत्कार हुए थे जिन पर यकीन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो कथा चलती आ रही है मैं उसे आप लोगों के सामने वैसे ही बता रहा हूँ। राजस्थान के वर्तमान बीकानेर जिले में स्थित गांव बिग्गा व रीडी में जाखड़ जाटों का राज था और लंबे समय तक जाखड़ों का इन पर अधिकार बना रहा। बिग्गा जी का जन्म विक्रमी संवत 1358 अथवा 1301 में रीडी में हुआ। महान गौर रक्षक बिग्गा जी ने बैसाख सूदी तीज को 1336 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। वीर बिग्गा जी 1336 ईस्वी में अपने ससुराल में साले की शादी में गए हुए थे। तब सुबह सुबह खाने के समय वहां कुछ औरतें आई और बिग्गा जी महाराज से सहायता की गुहार की कि यहाँ के राट मुसलमानों ने हमारी सारी गायों को छीन लिया है, वो उनको लेकर जंगल की ओर जा रहे हैं। इस बात पर बिग्गा जी का खून खोल उठा और वो घोड़ी पर सवार होकर युद्ध के लिए रवाना हो गए। लुटेरे बिग्गा जी के सामने टिक नहीं सके और बिग्गा जी ने युद्ध में राठों को पराजित कर सारी गायें वापिस ले ली थी, लेकिन एक बछड़े के पीछे रह जाने के कारण ज्यों ही बिग्गा जी वापिस मुड़े तब एक राठ ने धोखे से आकर पीछे से बिग्गा जी का सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वह अपना काम कर रहा था और उन्होंने सब राठों को मार दिया। देह के आदेश पर गायें और घोड़ी वापिस अपने मूल स्थान की ओर चल पड़े। घोड़ी बिग्गा जी का शीश लेकर जाखड़ राज्य की ओर चल पड़ी। तब घोड़ी अपने मुंह में बिग्गा जी का शीश दबाए जाखड़ राज्य की राजधानी रीडी पहुंची तो उस घोड़ी को बिग्गा जी की माता ने देख लिया तथा घोड़ी को कोसा कि जो घोड़ी अपने मालिक सवार का शीश कटवा देती है उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। कुदरत का खेल की घोड़ी ने यह सारी बातें सुन ली और वापिस दौड़ने लगी। यह देखकर पहरेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया तो घोड़ी ने छलांग लगाई और किले की दीवार को फांद लिया। किले के बाहर बनी खाई में उस घोड़ी के मुंह से बिग्गा जी का शीश छूट गया, जहां आज शीश देवल बना हुआ है। बिग्गा जी के शहीद होने का समाचार उनकी बहन हरिया को मिला तो वह भी सती हो गई। जब घोड़ी बिग्गा जी का धड़ ला रही थी तो उस समय जाखड़ की राजधानी रीडी से 5 कोस दूर पर थी। घोड़ी को देखकर वहां की गायें बिदक गई तथा ग्वालों ने गायों को रोकने का प्रयास किया तो उनमें से एक गाय घोड़ी से टकरा गई तथा खून का छींटा उछला। उसी स्थान पर बसाया गया गांव का नाम बिग्गा रखा गया। यह गांव आज भी आबाद है तथा इसमें अधिक संख्या जाखड़ जाटों की बस्ती है। गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।